सौ रोज़ा प्लान पर सीनियर वजीर अब्दुलअलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, सेहत, तालीम, लेबर, होम, ज़राअत और टूरिज़म के वज़रा की ब्रीफिंग, एक से दो हफ्तों में वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए हतमी प्लान वज़ा करें, अब्दुलअलीम खान की हिदायत। तफ़सीलात जान लेते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक, इजलास का मज़ीद अहवाल बताइएगा और ये भी बताइए कौन कौन शरीक हुआ इस इजलास में। हाँ जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वजीर अब्दुलअलीम खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने तलीम, लेबर, होम, ज़राअत और टूरिज्म के वज़रा और सेक्रेटरी साहिबान को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। अलीम खान ने यही कहा कि एक से दो हफ्तों में वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए हतमी प्लान वाजिया करें और उन्होंने हदायत की है कि अवाम को कम से कम वक्त में तब्दीली का मॉडल दिखाना चाहते हैं। सीनियर वजीर अब्दुलअलीम खान का यह भी कहना था कि वाजिया रिलीफ देंगे, तब्दीली होने के साथ होती हुई नजर भी आएगी, तलीमी इदारों, हस्पतालों, शहरी सहूलतों के इदारों में इनकलाब इकदाम करेंगे। इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी। रोजगार, छत, आमदोमान और बेहतर माहौल की फ्राहमी के लिए जंगी बुनियादों पर काम होगा। सीनियर वजीर का यह भी कहना था कि इस वाले से तमाम तर महकमे जो है वो मुतहरिक रहे और आइंदा कुछ दिनों में हमने वजीर आज़म को ब्रीफिंग देनी है ताकि जो हम काम